आज हम सीखेंगे कि जो हमारी एसी की गैस होती है वो कितने दिन में ख़त्म हो जाती है। ये जो वीडियो है कस्टमर के लिए भी है और मैकेनिक के लिए भी है, क्योंकि बहुत सारे मैकेनिक कस्टमर को ये कह देते हैं कि आपकी एसी की जो गैस है वो ख़त्म हो चुकी है या कम हो चुकी है, उसमें थोड़ा और गैस डालनी है, बट उसमें प्रॉब्लम किसी और चीज़ की होती है। तो आप बेवकूफ़ ना बने, मतलब कि टेक्नीशियन आपको बहका ना सके, तो इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देख ही लेना अगर आपके पास एसी है। और ये टेक्नीशियन के लिए भी है कि ये कैसे पहचानेंगे कि उसमें एसी में गैस है या कम है या फिर नहीं है, मतलब कि गैस का इशू है या फिर किसी और चीज़ का इशू है। ये क्लियर ये टेक्नीशियन जान भी जाएंगे और कस्टमर भी ये पता कर लेंगे, सिर्फ एक या दो पाइप को पकड़ने के बाद वो क्लियर जान जाएंगे कि इसमें गैस है या नहीं है या कम है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो एसी की गैस है ना, ये 20-20 साल चल जाती है, 25-25 साल चल जाती है, लेकिन 3-3 साल में भी ख़त्म हो जाती है, 2 साल में भी ख़त्म हो जाती है। मतलब ये है कि अगर इस फ्रिज के पाइप में जिसमें गैस घूम रही है ना, उसमें अगर लीकेज हो जाए तो 4 दिन में भी निकल जाएगी, 2 साल में भी निकल जाएगी। और अगर उसमें लीकेज ना हो ना, तो ये 20-20 साल तक भी चल सकती है, 15 साल भी चलेगी। ये जल्दी एसी में चोकिंग नहीं होती है, इसमें सिर्फ लीकिंग की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आता है कि गैस कहीं से लीक हो जाती है। तो अगर लीकेज है तो ये तो आपका 10-20 दिन में भी निकल जाएगी। आपने नई एसी लिया, उसमें अगर लीकेज है या मान लीजिए 1-2 महीना बाद लीकेज हो गया, तो वहाँ से सारी गैस निकल जाएगी। और अगर उसमें लीकिंग नहीं हुई तो वो जो है आपकी एसी में जो गैस है वो 20 साल 25 साल तक भी चलती रहेगी और वो आपकी एसी को ठंडा करता रहेगा, मतलब एसी आपके रूम को ठंडा करता रहेगा। तो ये एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि एसी की गैस कब ख़त्म होती है और कब नहीं होती है। तो इसकी कोई भी टाइमिंग नहीं है कि कब ख़त्म होती है कब नहीं होती। अगर लीकेज के ऊपर अगर लीकेज हो गया तो फिर गैस निकल जाएगी, नहीं लीकेज होगा तो गैस उसमें रहेगी और ठंडा वो करेगा, क्योंकि एसी में चोकिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, मतलब गैस जाम होने की प्रॉब्लम बहुत ही कम आती है। तो ये एक चीज़ तो क्लियर हो गया। अब ये कैसे डिटेक्ट करेंगे, ये कैसे पता करेंगे कि आपके एसी में गैस है या नहीं है, या फिर है तो कम है या ठीक है, ये कैसे क्लियर करेंगे? तो मैं आपको 100% वाला तरीका बताता हूँ। जो 100% आप क्लियर कर लेंगे तो आपको एक काम करना है, वो काम ये करना है, आपको सीधा जो आपका स्प्लिट एसी अगर रह गया मान लीजिए, तो उस स्प्लिट एसी के आउटडोर के पास चले जाना है, उस स्प्लिट एसी के आउटडोर के पास चले जाना है, और उसमें जो दो पाइप, मतलब कि एक मोटी वाली पाइप और एक पतली वाली पाइप, उस आउटडोर में जो कनेक्ट हुई है, मतलब इनडोर जो आपके रूम में लगा है एक यूनिट और एक ऊपर यूनिट रखा गया है, उस दोनों यूनिट को जो पाइप कनेक्ट किया गया है दोनों के बीच में, जिसके ज़रिए से गैस ऊपर से नीचे आती रहती है, जो मोटी वाली पाइप पतली वाली पाइप जो इनडोर और आउटडोर को कनेक्ट करती है, उसको पकड़ना है। तो अगर पतली वाली पाइप को पकड़ना है एक बार और एक मोटी वाले पाइप को पकड़ना है, तो यहाँ पे दोनों पाइप चिल्ड होगी, मतलब ठंडी होगी, उसमें से उन दोनों पाइपों में से जो पाइप ज़्यादा ठंडी होगी वो होगी सक्शन की। जो मोटी वाली पाइप रहेगी वो अगर ज़्यादा ठंडी है और पतली वाली उसके अपेक्षा कम ठंडी है, तो इसका मतलब कि जो आपके एसी में गैस है ना वो पूरी पूरी गैस है, ज़रा सा भी 1% गैस जो है वो निकली हुई नहीं है, मतलब इसमें लीकेज वगैरह नहीं है। पहले तो चालू कर लेना है आपको एसी को, तब ये सब चेक करेंगे, बंद पे तो नहीं क्लियर हो पाएगा, तो पहले एसी चालू कर लेंगे, फिर उसके बाद एसी के आउटडोर पे जाएंगे, वहाँ पे जो दो पाइप हैं, एक पतली पाइप और एक मोटी पाइप, तो मोटी पाइप उस टाइम ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए, कुछ देर मतलब 5 मिनट चला भी लेंगे तो क्लियर हो जाएगा ज़्यादा अच्छी तरीके से, 5 मिनट या फिर 4 मिनट 6 मिनट चला लेंगे, तो उसमें आप ये 100% क्लियर कर सकते हैं कि अगर आपकी मोटी पाइप ज़्यादा ठंडी है, दोनों पाइप ठंडी होनी चाहिए, जो मोटी पाइप होगी वो ज़्यादा ठंडी होगी और जो पतली पाइप रहेगी वो कम ठंडी रहेगी, उसके अपेक्षा मोटी पाइप के अपेक्षा वो कम ठंडी रहेगी जो कि पतली पाइप रहेगी। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब आपके एसी में पूरी पूरी गैस है। और अगर मान लीजिए कि आपकी जो मोटी वाली पाइप है, जो सक्शन पाइप है, वो मोटी वाली पाइप
कम ठंडी है और पतली वाली ज़्यादा ठंडी है, तो इसका मतलब हो सकता है कुछ गैस कम इसमें हो। और अगर जो आपकी मोटी वाली पाइप नॉर्मल है, मतलब ठंडी नहीं है, और डिस्चार्ज लाइन जो पतली वाली लाइन है वो ज़्यादा ठंडी है, मतलब उस पर आइस आ रही है, इसका मतलब इस एसी में लीकेज हो गया है। डिस्चार्ज लाइन जो पतली वाली लाइन होती है उस पर अगर बर्फ़ जमता है ना, तो इसका मतलब 100% ये क्लियर है कि उसमें जो एसी है उस एसी में लीकेज हो गया है, और लीकेज होने की वजह से ये ठंडा नहीं कर रहा है। तो अगर इस तरीके से आप रिट्रीट करेंगे तो मैं एक बार आपको और बता देता हूँ कि एसी किस अवस्था में पूरी रहेगी, ये आपको बता देता हूँ एक बार और मैं। तो देखिए, जब आप एसी के आउटडोर के पास जाएंगे, जो ऊपर लगा हुआ है आउटडोर, जिस जहाँ से गर्म हवा निकलती है बाहर, तो वहाँ पर जाने के बाद जो इनडोर और आउटडोर के बीच में पाइप लगाई गई है ना, जो कॉपर की पाइप, दो पाइप उसमें जुड़ी होगी, एक मोटी होगी एक पतली होगी, तो आपको मोटी वाले एक बार पकड़ना है और एक पतली वाले को टच करना है चार्ज एसी को चालू करके। तो वहाँ पे अगर आपकी मोटी वाली पाइप ज़्यादा ठंडी है और जो आपकी पतली वाली पाइप है कम ठंडी है, तो इसका मतलब 100% इसमें पूरा गैस है, इसमें गैस की प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मान लीजिए कि जो आपकी मोटी वाली पाइप है वो कम ठंडी है और पतली वाली ज़्यादा ठंडी है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें गैस कम है। और अगर जो आपकी मोटी वाली पाइप वो एकदम नॉर्मल है, ठंडी नहीं है, नॉर्मल है, और जो डिस्चार्ज लाइन पतली वाली लाइन है वो अगर उस पर बर्फ़ आ रहा है, आइस आ रही है पतली वाली लाइन पर, तो इसका मतलब इसमें 100% लीकेज है, ये गैस कहीं से निकल चुकी है या फिर कम गैस इसमें डाली गई है। इस तरीके से आप 100% क्लियर कर सकते हैं, ये कस्टमर भी कर सकता है, मतलब चेक कर सकता है इस तरीके से, और टेक्नीशियन भी इसी तरीके से चेक कर सकता है। और अगर आपकी एसी में लगता है कि गैस पूरी है, वो सक्शन लाइन ज़्यादा ठंडी है और डिस्चार्ज लाइन कम ठंडी है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें गैस पूरी है, तो अब क्या फॉल्ट हो सकता है? जो 90% फॉल्ट होता है इस अवस्था में वो ये होता है कि एसी की जो है सर्विस नहीं की गई है, एसी की सर्विसिंग ना कराने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो एसी को आप क्या करेंगे, सर्विसिंग करवा देंगे, मतलब उसकी सफाई धुलाई जब करवा देंगे तो फिर क्या होगा, उसके ऊपर से जो उसका एवापोरेटर और कंडेंसर होगा उसके ऊपर से सारे डस्ट नीचे चले जाएंगे, हट जाएंगे, तो वो अच्छी तरीके से फ़ैन उस पर चलेगा, तो हीटिंग भी अच्छे से निकलेगी बाहर और कूलिंग भी आपके रूम में अच्छी तरीके से आएगी। तो सर्विसिंग की वजह से एसियाँ हमारी कम कूलिंग करती है, ये 60% ऐसा भी होता है, क्योंकि आपको हर सीज़न में एक बार सर्विसिंग करा देना है, तो इससे ज़्यादा बेटर रहेगा और कूलिंग भी आपको अच्छी मिलेगी और मशीन की लाइफ भी बनी रहेगी। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एसी की गैस को कैसे आप पहचानेंगे कि एसी में गैस है या नहीं है, या कम है या लीकेज है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही।